महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद के बीच बड़े नेताओं को मिल रही जान से मारने की धमकियों ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को ऐसी ही धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि शरद पवार को 11 मई को सोशल मीडिया पर मौत की धमकी मिली थी, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी सुप्रीमो का जिक्र करते हुए मराठी दी गई धमकी में कहा गया कि बारामती के गांधी और बारामती के लिए नाथूराम गोडसे तैयार करने का समय आ गया है। ट्वीट निखिल भामरे द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें यह भी लिखा गया था कि बारामती अंकल क्षमा करें। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का पाकिस्तान प्रेम भी जग रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आम लोग भारत के दुश्मन नहीं है, लेकिन जो सेना की मदद से सत्ता चाहते हैं वे दोनों देशों के बीच तनाव बना रहे इसके पक्षधर हैं। वहीं इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने यह भी कहा कि एक युवक ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली और देश को दिशा देने की कोशिश की, लेकिन सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए पवार ने कहा, पड़ोसी पाकिस्तान में जहां आपके और मेरे भाई हैं, एक युवक ने प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली, देश को एक दिशा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अब वहां एक अलग ही तस्वीर है। वहीं शरद पवार को धमकियां किस संदर्भ में मिली हैं यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसे लाइक किया गया है और कई लोगों द्वारा ट्वीट किया गया है। राज्य सरकार में एनसीपी के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इस बात पर खेद व्यक्त किया और पुलिस को धमकी देने वाले विपक्षित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और मुंबई और ठाणे और पुणे के पुलिस आयुक्तों का भी ध्यान आकर्षित किया। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता मनीष कांडे ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं कि पवार को मारने की धमकियों के पीछे कौन सी टीम है, क्योंकि हर कोई जानता है कि गोडसे की पूजा कौन करता है और गृह मंत्री दिलीप वाल से पाटिल से गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया। कांग्रेस के राज्य महासचिव सचिन सावंत ने कहा कि लोगों के लिए सोचने का समय है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की समाज को हिंसक और विकृत बनाने के प्रयासों ने देश को कहां धकेला है। सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी पवार को दी गई धमकियों पर सोशल मीडिया पर निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।